जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सुबह 8 बजे माता काली के इस मंत्र को 5 बार बोल के ये एक चीज़ पीपल पर रख देना, माता आपके सब काम सिद्ध करेगी। जी हाँ भक्तों, आज मैं आप लोगों को माँ काली का एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो उपाय आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा। और ये छोटा सा उपाय है, इसमें कोई खर्चा नहीं आने वाला आपका, बस आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा, मतलब कि माँ काली की ओर ध्यान करके इस उपाय को करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मंत्र भी बताऊंगी जिस मंत्र के ज़रिए से ही आपके काम सफल होंगे। और ये कार्य करेंगे जब आप, तो जैसे मान लीजिए आपके काम में कई रुकावटें हैं, कहीं कुछ भी है, मतलब दिक्कतें हैं, परेशानी है, कोई काम नहीं बनता, दर दर भटक रहे हैं, सबके बताए हुए उपाय भी कर लिए लेकिन अभी तक भी हमारे काम धंधे नहीं खुले, काम धंधे वैसे की वैसी बंद पड़े हैं। तो जी बस ये आप कार्य चुपचाप से कर लेना। और ये आपको कब तक करना है, कैसे करना है, सब कुछ तो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा, अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो अभी जो मैं आप लोगों को उपाय बताने जा रही हूँ, ये कोई छोटा मोटा उपाय मत समझना। ये उपाय पता है कब किया जाता है, जब हमारे कामों में दिक्कत आए। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कोई काम नहीं बनते, सारे काम बंधे पड़े हैं, अगर किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो वो होते होते अटक जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पहले काम बन रहे थे लेकिन कुछ समय से पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि काम बिल्कुल नहीं चल रहा। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी ठप पड़ा है, और किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वो काम बनता ही नहीं है, और पहले वो बनता था। अगर यही दिक्कतें आप लोगों के साथ हो रही है तो अब आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय के ज़रिए से आप अपने सभी कार्यों को माँ काली से, अन्य देवियों से सिद्ध करा सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। जी हाँ, कोई भी ऐसा काम हो आपका जो कि एक हो, 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपका सिद्ध होगा जब आप ये उपाय करने लग जाएंगे। तो बता देती हूँ क्या करना है। देखिए, जब सुबह आप उठते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करके पवित्र होके सबसे पहले अपने देवी देवता माँ काली, भगवान शिव और सूर्य देव को जल चढ़ाओ, एक एक लोटा जल पानी का चढ़ाओ। ठीक है, इसको चढ़ाने के बाद जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं, करेक्ट 8 बजे आपको क्या करना है, एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, एक नींबू लेना है। ठीक है, एक नींबू के साथ आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, और उसके साथ आपको 5 लौंग लेनी है। इन चारों चीज़ों का आपको एक छोटा सा उतारा करना है, जो अपने घर से और अपने ऊपर से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके कामों में दिक्कत है तो आपके ऊपर से ही होगा, अगर आपके पूरे घर के कामों में दिक्कत है तो आपके घर से भी होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये चारों चीज़ें लेके अपने ऊपर से आपको इसे उतार लेना है और अपने पूरे घर में इसे घुमा लेना है। ठीक है, जितने भी कमरे आपके हैं उन सभी कमरों में ये चीज़ें आप घुमा के ले आएँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माता काली का एक मंत्र बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुन लें, इसी मंत्र को आपको 5 बार बोलना है। ठीक है, तो मंत्र है, ओम नमो नमो महाकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त की प्याली,
मेरा कारण ना सारेगी, गुरु गोरखनाथ की धुना में गिरेगी, दुहाई तुझे कामरुदेश कमख्या की, ईश्वर महादेव कोरा पार्वती की। ठीक है, ये मंत्र है, इस मंत्र को 5 बार बोल के ये चारों चीज़ आप पीपल पर रख कर आ जाओ। कम से कम 5 से 7 दिन तक आप इस उपाय को करो, आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। जो काम आपके नहीं हो रहे वो सब सिद्ध होने लगेंगे, जैसा आप देवी देवता से कहेंगे देवी देवता वैसा ही करेंगे। ये इतना महा उपाय है जो मैंने आपको बताया है। जिन लोगों के कार्यों में दिक्कतें चल रही हैं, ये कार्य भी वही व्यक्ति करें और उनके जो काम है वो मिनटों में सिद्ध होने लगेंगे जब वो इस उपाय को पहली बार से शुरू करेंगे। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और